देखिए, पहले तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इतना बम्पर वोट देके तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया है। मैं आज आपको बुलाने का एक विषय था कि कल हमारी पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संघीय सोम ने हरवाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तब भी अपने उत्तर प्रदेश की जनता की बात हर फोरम पर उठाई। मेरे लोगों पर अखिलेश सरकार ने गोली चलवाई, मेरे लोगों ने गोली खाई, मेरे परिवार पर मुकदमे हुए, मुझ पर खुद आतंकवाद तक के मुकदमे अखिलेश सरकार ने लगाए, मुझे जेल में रखा गया। 700-800 किलोमीटर दूर मुझे जेल में ले जाया गया और उस जेल को खाली करा दिया गया जिससे मेरा मनोबल टूटे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हूं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता। मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है, हम उसे भी शायद 2 हजार वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पर हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पर क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है, अगर किसी ने कोई गलती करी है और किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था, कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा। के मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पर चुनाव नहीं हारने दिया।
मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी के बस्ते गए वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए। लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। हर गांव में कोशिश करी कि चुनाव जीता जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा, ना कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहने के लिए आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित समर्पित दोनों तरीके का कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए दिन रात जी जान से मेहनत करता हूं और वो हमेशा करता रहूंगा। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर विभीषण मौजूद है, वो विभीषण किसे कह रहे हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे कह रहे हैं। अंतर्कलह की बात हो रही है, शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कितना जायज? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके की अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। ये तो उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता। समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। अच्छा सर, एक बात सही सुन साहब, आपने जैसे कहा कि कोई भी अगर बात की तो उसे पार्टी फोरम में रखना चाहिए था, तो आपने भी एक कमेंट बड़ा ओपन में किया था कि उनका स्तर इस लायक नहीं है कि मेरे से बात कर सके। आपने मेरा वो बयान सुना होगा, शायद आपका आपने ये बात नोट नहीं करी होगी कि मैंने वो बयान कब दिया था। उन्होंने दो दिन पहले कहा था कि संगी सोम विनाश की राजनीति करते हैं। मैं कभी विनाश की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति